नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों वी के नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है वैकेंसी का नोटिफिकेशन एक दिन पहले आया था जिस पर पूरी डिटेल से चर्चा नहीं आज ऑफिशियल अपडेट इसका आ चुका है पूरी तरह से फुल नोटिफिकेशन आ चुका है इसरो एन आर की वैकेंसी है जहाँ से हमें ये देखना है कि लोकेशन कहाँ रहेगी एग्ज़ाम का पैटर्न सिलेबस कैसा है फीस कितनी है एग्ज़ाम सेंटर कहाँ आएंगे सिलेक्शन प्रोसेस कैसी है क्योंकि पदों की संख्या कितनी है इस पर तो हम चर्चा कर चुके थे हालांकि जब वो शॉर्ट नोटिफिकेशन था तो उसमें एज क्राइटेरिया भी नहीं दिया गया था आज वो भी हम आपको बताने वाले हैं बहुत शानदार वैकेंसी है मैं ये कहूँगा क्योंकि एज में भी इन्होंने एक लंबा ऑप्शन दे दिया है 18 वर्ष से 35 वर्ष तक की एज रखी है तो मुझे नहीं लगता कि इस एज क्राइटेरिया में कोई भी बच्चा बाहर होगा क्या यानी हर एक कैंडिडेट अप्लाई कर सकेगा और वो इस कंपटीशन में भाग ले सकेगा क्या है पूरा नोटिफिकेशन इस पर आइए हम चर्चा करते हैं आगे बढ़ने से पहले रिवर रहेगा कि चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह के अपडेट कंटेंट और न्यूज़ नोटिफिकेशन इस चैनल पर हम आपको सबसे पहले प्रोवाइड करवाते हैं इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा पूरा देखना विश्वास है आपके जितने भी सवाल हैं वो सब कंप्लीट हो जाएंगे आइए फर्स्ट ऑफ ऑल चर्चा करते हैं तो वैकेंसी इसरो की है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंतरिक्ष विभाग होता है और नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर इसे बोलते हैं जहाँ से रिमोट से मान लीजिए इसरो के कुछ ऑपरेशंस किए जाते हैं कहाँ पर आपकी पोस्टिंग हो सकती है जॉब लोकेशन की बात कर रहा हूँ बेंगलुरु में हो सकती है नागपुर में हो सकती है कोलकाता जोधपुर और नई दिल्ली यानी ये है वो कुल आपके पांच सेंटर या केंद्र जहाँ से इसरो रिमोट लोकेशन या रिमोट ऑपरेशन करता है तो जाहिर सी बात है यहीं आपको पोस्टिंग भी दी जा सकती है ये पांच ऑप्शन रहेंगे आपको एज पर जहां भी सीट खाली होगी उसके हिसाब से आपको दे दिया जाएगा सीटों की संख्या कितनी है और इस पर आई थिंक बात हो चुकी है मुझे नहीं लगता कि इस पर दोबारा चर्चा करने की ज़रूरत है क्या हाँ कुछ सवाल वो वीडियो मैंने डालने के बाद आपके जरूर आए थे उस पर मैं आपसे ज़रूर चर्चा करूँगा जैसे कुछ बच्चे इलेक्ट्रिकल में कन्फ्यूज़ हो रहे थे एक बात याद रखना टेक्नीशियन भी इलेक्ट्रिकल पोस्ट का नाम रखा है यहाँ पर आठ सीटें हैं और इन्होंने एन ट्रेड इलेक्ट्रिकल में अब यहाँ बच्चे कन्फ्यूज हो रहे हैं कि इलेक्ट्रिशियन और इलेक्ट्रिकल एक ही है क्या तो कोई प्रॉब्लम नहीं है जिन बच्चों के पास इलेक्ट्रिशियन है वही अप्लाई करेंगे क्योंकि इलेक्ट्रिकल में कोई आई आई नहीं होती है ये ध्यान रखना तो वो इलेक्ट्रीशियन आईटीआई ही है इलेक्ट्रिकल नहीं है आप अप्लाई कीजिएगा ठीक है और टेक्नीशियन भी इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वालों की 33 सीट है बात कर ही चुके हैं इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से आपका आईटीआई किया हुआ हो ठीक है इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक वालों की नौ सीटें हैं और फ़ोटोग्राफी वालों की दो सीटें हैं तो इन सब पर तो चर्चा हो ही चुकी है और मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा हमें चर्चा करने की ज़रूरत है क्या ये देखो ये प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहाँ पर पोस्टिंग आपको मिल सकती है ये इन्होंने मेंशन कर दिया है क्लियरली स्पष्ट लिख दिया है और ये रहा नागपुर में मिल सकती है आपको और ठीक है बालानगर हैदराबाद यहाँ भी लगा सकते हैं नई दिल्ली बेंगलोर भी लगा सकते हैं और जोधपुर भी लगा सकते हैं कोलकाता भी लगा सकते हैं तो ये सारी कंसेप्ट क्लियर है पोस्टिंग कहाँ पर होगी इस पर चर्चा हो चुकी है बड़ा सवाल आप यही पूछते हो मेन हम यहाँ पर बात करेंगे सिलेबस के बारे में क्योंकि वो बहुत ज़रूरी था और सलेबस से पहले देखो पे स्केल और एज ग्रुप आ चुका है तो उस पर बात करते हैं देखो भाई 18 से 35 वर्ष तक की एज यहाँ पर है और ये अनरिजर्व वालों के लिए है तो सोचिए रिजर्व कैटेगरी वालों को तो और छूट मिली है यहाँ पर यह देखो ठीक है ना आरक्षित श्रेणियों के लिए ऊपरी सीमा में छूट एस सी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो पाँच वर्ष की छूट है यानी एस सी में तो एक तरह से अट्ठारह से चालीस वर्ष की एज हो गई ओ से अगर आप आएंगे तो आपको तीन वर्ष की छूट है तो ओ में आप एक तरह से यूँ समझ लो कि अट्ठारह से अड़तीस वर्ष की एज हो गई तो इस एज ग्रुप में तो कोई दिक्कत नहीं है इकतीस दिसंबर दो तेईस के अकॉर्डिंग गणना की जाएगी थर्टी फर्स्ट दिसंबर को आपका जो एज है वो काउंट किया जाएगा पे स्केल देखो कितना शानदार है लेवल थ्री में रखेंगे इक्कीस हज़ार सात सौ रुपये आपकी बेसिक है जिसमें ये कह रहे हैं कि इक्तीस हज़ार छः सौ बयासी रुपये आपको पर मंथ सैलरी मिलेगी ये कन्फर्म है यानी केस इन एंड लगभग इकतीस हजार सात सौ रुपये हर महीने मिलेंगे लगते ही पहले दिन तो और कितनी बड़ी नौकरी चाहिए ये बताओ हाँ कंपटीशन इसके लिए लड़ना पड़ेगा पोटेंशियल आपको दिखाना पड़ेगा दुनिया के लिए कि भाई कौन कितना तेज़ है पढ़ाई के मामले में तो ये मेहनत आपको करनी पड़ेगी लेकिन बत्तीस हज़ार रुपये की और वो भी देखो एच आर ए टी हाउस रेंट अलाउंस ट्रेवलिंग अलाउंस वो मिलेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अनुसार वो इसमें अलग से है ठीक है ना और पे स्केल में भी देखो तीसरे लेवल पर रख रहे हैं पहले ही जाते ही तो इससे बढ़िया तो पोस्टिंग और क्या ही समझोगे इसरो जैसा डिपार्टमेंट अब भी अगर आप पढ़ने में पीछे रह जाते हैं तो माई डियर किसी को मत बोलना हाँ कोई बोलेगा कि जी सीटों की संख्या कम है हमें तो एक ही सीट चाहिए कंपटीशन फाइट कीजिए जितनी मेहनत कर सकते हो कीजिए पेपर तो वहीं से आएगा इनका पुराना पेपर पड़ा है वो मैं आपको जल्दी हल करवा दूंगा टेलीग्राम पर डाल चुके हैं तो वहाँ से आप उस पेपर को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं चैनल पर आपको वो पूरा पेपर मैं हल करवा दूंगा अप्लीकेशन की देखो फीस कितनी ली जाएगी फॉर्म की फीस आपसे मांगी है तो फॉर्म फीस जो है ना वो पाँच सौ रुपये सबको देनी है ध्यान से सुनिएगा पाँच सौ रुपये फीस सबको देनी है लेकिन जो रिजर्व कैटेगरी वाले बच्चे हैं उनको चार सौ रुपये मिल जाएगी लेकिन कब मिलेगी अगर आप एग्जाम देने जाओगे तो यानी अगर किसी बच्चे ने जो मान लेते हैं ऐसी से हैं फॉर्म अप्लाई कर दिया एग्जाम देने के लिए नहीं गया तो उस बच्चे को ये फीस रिफ़ंड नहीं होगी फीस रिफ़ंड के लिए एग्ज़ाम देना होगा और उसके बाद में भी, भी फीस रिफ़ंड की प्रोसेस होगी तो उसके लिए आपको वापस हो जाएगी ये देखो ये लिखी भी दिया है ना ओनली कंडेड टू हु अपियर इन द रिटर्न टेस्ट यानी आप परीक्षा में अगर बैठने जाओगे तो ही आपको मिलेगा अदरवाइज आपको वापस नहीं मिलेगा ठीक है अब आ जाते हैं सिलेक्शन प्रोसेस सिलेबस एग्ज़ाम पैटर्न कैसा है हालांकि जिस दिन शॉर्ट वीडियो मैंने बनाया था उसी दिन मैंने बोल दिया था आपको कि ये अस्सी क्वेश्चन देते हैं अब कौन से पार्ट केयर किस टॉपिक के कितने देते हैं वो मैं आपको बताऊंगा जो ज़्यादा ज़रूरी है टेक्नीशियन भी देखो नब्बे मिनट का समय रहेगा इस बार डेढ़ घंटे का समय है ध्यान रखना पिछली बार दो घंटे का समय दिया था जो पिछली 2017 में इनकी भर्ती हुई थी वो जो पेपर है उसमें दो घंटे का समय दिया था 120 मिनट थी इस बार 90 मिनट दे रहे हैं अस्सी क्वेश्चन करने हैं आपको चलो फिर भी ठीक है एक क्वेश्चन को एक मिनट से ज़्यादा का समय मिल जाए कंपटीशन एग्जाम में मैं मानता हूँ ये बहुत अच्छा होता है इससे टॉप कहीं नहीं हो सकता क्योंकि कई बार ये होता है 120 मिनट होती है क्वेश्चन होते हैं डेढ़ सौ तो ये वो परिस्थिति आपके सामने नहीं है बड़ी बात क्या है वन थर्ड नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पर जीरो माइनस नंबर भी रहेंगे अगर गलत कर दिया तो तो ये सबसे बड़ी समस्या होती है और मैं वैसे आपको बताता आया हूँ कि एग्ज़ाम का पैटर्न आपको ज़रूरी पता होना चाहिए क्योंकि जब एग्ज़ाम पैटर्न पता होता है तो हम उसी के अकॉर्डिंग क्या कि पेपर अटेंड करने का प्रयास करते हैं नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो कुछ भी छोड़ना नहीं होता है मैं हमेशा बोलता हूँ यानी सारे क्वेश्चन अटेंड करने होते हैं और अगर नेगेटिव मार्किंग है तो हमें एक्स्ट्रा करना नहीं होता है ठीक बात है इसके बाद में स्किल टेस्ट भी होगा सौ नंबर का जो गो और नो गो यानी केवल क्वालिफाई करना होगा क्वालिफाइंग मार्क्स देखो क्या है जो जनरल कैटेगरी से है ओ से है ई से है उनके लिए रिटर्न में बत्तीस नंबर लाने जरूरी है स्किल टेस्ट में 50 नंबर लाने जरूरी है जो रिजर्व कैटेगरी वाले हैं उनको थोड़ी थोड़ी छूट है वो कितने नीचे बता दूंगा अब आते हैं सिलेबस पर वापस है ना देखो अगर मैं प्रीवियस पेपर के अनुसार बात करूं तो इन 80 क्वेश्चन में दो क्वेश्चन से चार क्वेश्चन तो देते हैं ये मैथ के ठीक है ना हालांकि इसकी एक पेड टेस्ट सीरीज हमने ऐप पर प्रोवाइड करवा चुकी है करवा चुके हैं तो आप चाहें तो ले सकते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए और वहाँ से इसरो की प्रैक्टिस टेस्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ से प्रैक्टिस कीजिए दो से चार क्वेश्चन मैथ के डालेंगे उसके बाद में सुनिएगा ध्यान से ये अपने टॉपिक में इलेक्ट्रॉनिक्स को बहुत महत्व देते हैं जिनमें से देखो इतना डीपली कोई नहीं बताएगा जो एक्सपीरियंस मैं उस पेपर से लेकर आया हूँ जो अब तक के एग्जाम पेपर मैंने देखे हैं इसरो का कोई भी पेपर हो इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे बड़ा आता है लॉजिक गेट में से ये क्वेश्चन देते ही देते हैं तो जिनकी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्लीट नहीं है ना वो इस पर ध्यान दीजिएगा और खूब थोड़ा टाइम देकर इसे पढ़िए लॉजिक गेट के बाद में ये ट्रांजिस्टर में से बड़े सवाल पूछते हैं और पिछले पेपरों में भी है वो मैं आपको हल करूँगा तो आपके सामने आ जाएगी और आपको पता लग जाएगा ठीक है बाकी सब नॉर्मल जो एज़ हम पढ़ते हैं कैपेसिटर हो गया इसरो इन टॉपिकों को बड़ा महत्व देते हैं ट्रांसफार्मर ये सारे बाकी तो रहेंगे रहेंगे आज के लिए सिर्फ इतना लिखते हैं कि आपकी टेक्निकल ट्रेड से रिलेटेड होंगे तो उसमें क्या होता है कि फिर कोई भी क्वेश्चन दे दो वो बच जाते हैं एक तरह से आप ये नहीं बोल सकते कि आउट ऑफ सिलेबस आ गया ठीक है कुल मिलाकर इतना समझ लो दो से लेके चार क्वेश्चन मैथ के होंगे इलेक्ट्रॉनिक्स में लॉजिक गेट आएगा और ट्रांजिस्टर के क्वेश्चन आएंगे बस बाकी और कुछ नहीं देखना ठीक है और रही बात ये कि एग्जाम सेंटर कहां आएंगे तो एग्जाम सेंटर की लिस्ट इन्होंने डाल दी है ठीक है जैसे बिहार वालों का पटना हर एक राज्य का अपना अपना यू मान लो कि वो दिया है राजधानी दी है कैपिटल दी है जैसे झारखंड है तो रांची दे दिया गुजरात है तो अहमदाबाद दे दिया ठीक है यूपी और राजस्थान के लिए अगर मैं बात करूं तो राजस्थान में जयपुर और जोधपुर दो दिए हैं यूपी में तीन है लखनऊ कानपुर और इलाहाबाद ठीक है तो ये एग्ज़ाम सेंटर की लिस्ट है और फॉर्म कब कब अप्लाई कर सकते हैं शायद इस पर चर्चा हो चुकी है नौ बारह से लेकर इकतीस बारह के बीच में है ठीक तो ये था पूरा अपडेट अब कोई भी सवाल मुझे नहीं लगता कि पीछे रह गया है क्या इतना ही अपडेट था लाइक ज़रूर करेंगे वीडियो चैनल सब्सक्राइब करेंगे डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड ज़रूर कीजिएगा बहुत बहुत धन्यवाद